हाँ चलो ध्यान दो, पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स करके एक चैप्टर है, काफी छोटा सा टॉपिक है और प्रैक्टिकल कैलकुलेशन वाला है, तो ये छोटी सी स्कीम है वो समझ लो क्या हो रहा है यहाँ पे। हाँ एडवांस टैक्स के बारे में चैप्टर वन में इंट्रोडक्शन में अपन बात कर रहे थे कि जो स्लैब रेट या जो भी रेट आप पे एप्लीकेबल है आपकी टैक्स लाइबिलिटी आप गिन लो। तीन तरीके मैंने आपको बताए थे टैक्स चार्ज करने के जो गवर्नमेंट यूज करती है, एक तो रिटर्न फाइलिंग के साथ साल के एंड में असेसमेंट ईयर में आप पैसे कलेक्ट कर लेना, दूसरा ऑप्शन है TDS के फॉर्म में सैलरी में से पहले डिडक्ट कर लेना, तीसरा ऑप्शन है एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स का मतलब है पे एज यू अर्न मॉडल, ये इनका रेफरेंस है। तो बोला पूरे साल में जैसे जैसे आप पैसे कमाते जा रहे हो थोड़ा थोड़ा करके लमसम बेसिस पे इसे टैक्स पे कर दो, क्या प्रॉब्लम है, पूरा साल वेट हम क्यों करें। नहीं तो आइडियली वो कैलकुलेशन कैसे चल रहा है, पूरा फाइनेंशियल ईयर आपका खत्म हो गया, उसके बाद आप हिसाब करना शुरू करोगे और आपका रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करोगे तब जाके साथ में टैक्स पे होगा। गवर्नमेंट बोल रही है ये करने की जरूरत नहीं, बहुत लेट हो गया, हमें भी पूरा साल सरकार चलानी है, खर्चा चलाना, बजट बनाया हुआ है, पैसे कब आएंगे, तो एक एक साल लेट चलता है साइकिल। इससे बेटर है आप इसी ड्यूरेशन में जैसे जैसे कमाते जा रहे हो एक साथ मत दो, इंस्टॉलमेंट्स में तो पैसे दे सकते हो ना, कुछ तो कैलकुलेशन समझ में आता होगा आपको कि पिछले साल कितना कमाया था कितना टैक्स आया था, तो उसके बेसिस पे ऐसे पे कर दो। तो ये चीज़ यहाँ पे इनकॉर्पोरेट की गई आफ्टर 2007-08 और तब से ये गवर्नमेंट फॉलो कर रही है। अब स्कीम ऐसी बनाई अगर आपकी प्रीवियस ईयर या कोई भी पर्टिकुलर ईयर की टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपये से ऊपर थी, सपोज लास्ट ईयर आपने 10,000 टैक्स भरा था, या इस साल आपको लग रहा है करंट ईयर में कि आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपये या उससे ऊपर जाने वाली है, तो आपको एडवांस टैक्स भरना पड़ेगा, यू आर एलिजिबल ऑन दिस बेसिस। और इससे कम टैक्स लायबिलिटी है तो फिर कोई नीड नहीं है, फिर आप रिटर्न के साथ साथ पे कर देना क्योंकि छोटा अमाउंट है। तो 10,000 का एक लेवल सेट कर दिया उन्होंने। फिर बोला पेमेंट करना कैसे, क्योंकि एग्जैक्ट तो पता चलेगा नहीं। बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका जो भी फाइनेंशियल ईयर है ना उसकी एक एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी आप खुद कैलकुलेट कर लो, हमें नहीं पता, आप अपने आप कर लो जैसे आपको सही लगे, लास्ट ईयर के डेटा के बेसिस पे, इस ईयर के रेवेन्यू के बेसिस पे, इट इज योर चॉइस। जो भी टैक्स लायबिलिटी आप एस्टिमेट करोगे, मान लेते हैं आपको लग रहा है कि इस साल मेरा टैक्स 1,00,000 रुपये आने वाला है, ये आपका खुद का एस्टिमेशन है, तो इसको आप इंस्टॉलमेंट्स में पे करना स्टार्ट कर दो। इंस्टॉलमेंट्स बहुत सिंपल, चार इंस्टॉलमेंट्स हैं, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जो आपका चल रहा है। जैसे ये फाइनेंशियल ईयर था तो एक डेट आपकी ये थी और अभी ये रिसेंटली गई, ठीक है, तो ये चार डेट्स हैं। आपको इंस्टॉलमेंट्स में थोड़ा थोड़ा पेमेंट करना स्टार्ट करना है ऑन दिस बेसिस। कितना पे करना है वो बता दिया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 15%, मतलब 15,000, इस इंस्टॉलमेंट तक आते आते टोटल 45%, एग्रीगेट बोला टोटल, फिर यहाँ तक आते आते 75%, और यहाँ आते आते पूरा 100%, मतलब 1,00,000 रुपये पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है। ये क्यूमुलेटिव रेट्स बता रहा हूँ, 15,000, 45,000, 75,000, 1,00,000, ऐसे हो जाएगा। तो 15,000 अगर आप यहाँ भर चुके हो तो आपको और 30,000 भरने, ताकि टोटल 45 बन जाए, टोटल 75, टोटल 100। अब इन्होंने ऐसे क्यों लिखा है इस बात को वो समझ लो, ताकि अगर आपने यहाँ पे कुछ प्लस माइनस पे किया हो तो आप इसको बैलेंस कर सकते हो, ये ऑप्शन आपके पास रहेगा। उनको इस डेट तक टोटल 45% चाहिए, अगर यहाँ आपने 20 भरा है तो यहाँ 25 भर देना, 45 पूरा हो जाएगा, ऐसा भी कर सकते हैं, या यहाँ पे कम भर दिया यहाँ थोड़ा ज्यादा भर देना, एग्जैक्ट रूपी टू रूपी मैच करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। दूसरा पॉइंट ये भी है कि किसी की टैक्स लायबिलिटी का एस्टिमेट इन बिटवीन द ईयर कहीं रिवाइज भी तो हो सकता है, पहले लग रहा था 1,00,000 रुपये टैक्स आएगा, अब लग रहा है नहीं यार ऑर्डर ज्यादा है, बिजनेस ज्यादा है, टैक्स कम से कम 1,20,000 आएगा, आपको इस बात का रियलाइजेशन यहाँ पे हो रहा है, तो आप इस पॉइंट से इस अमाउंट को रिवाइज करके जो भी एडजस्टमेंट करना है, ज्यादा पे करना है वो कर सकते हो, आ रहा है समझ में। तो इस तरीके से उन्होंने यहाँ पे ये डेट्स आपको दे दी, इंस्टॉलमेंट बता दिया, कौन से इंस्टॉलमेंट में कितना आपको रफली पे करना है वो आइडिया दे दिया। अब अगर कोई ये ना फॉलो करे तो क्या, ठीक है बोला उन्होंने 15% भर देंगे, 45 हम नहीं भरेंगे, या तो हम पे नहीं करेंगे या थोड़ा थोड़ा अमाउंट नाम का पे कर देंगे, मेजोरिटी अमाउंट तो देंगे ही नहीं, 1,20,000 लग रहा था, 20,000 भर दिया, 1,00,000 नहीं भरा, तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, तो उसका पहले प्रोविजन किया उन्होंने इंटरेस्ट, जो इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है अंडर सेक्शन 234 सेक्शन में पूरी सीरीज है, ए बी सी से लेके ई एफ तक है, उसमें उन्होंने बता दिया कि एडवांस टैक्स अगर आपने नहीं पे किया या कम पेमेंट किया या लेट पेमेंट किया तो इसमें इंटरेस्ट लगेगा, और इंटरेस्ट का एवरेज रेट है 1% पर मंथ या 12% पर एनम बोल लो, तो वो आपको बाद में लगेगा कि इससे बेटर है मैं पे कर ही देता तो अच्छा था, नहीं तो 1% महीने का ब्याज मुझे देना पड़ेगा। तो ये कैलकुलेशन जो है उन्होंने प्रिस्क्राइब की, हमें फॉलो करनी है। अब अगर आप इनकी थियरी देखोगे तो ये जो कैलकुलेशन है
इसके ऊपर लिखा हुआ है एक्सेप्ट सेक्शन 44AD एंड 44ADA, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। दिस इज विथ रेफरेंस टू PGBP टॉपिक, इसको बोलते हैं प्रिजम्प्टिव इनकम, ये कंसेप्ट है, इसको बोलेंगे प्रिजम्प्टिव इनकम। ये PGBP के चैप्टर में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो अभी उसमें थोड़ा टाइम है, लेकिन बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि प्रिजम्प्टिव इनकम में क्या हो रहा है। 44AD या 44ADA जो सेक्शन है वो बिजनेस और प्रोफेशन को ये अलाउ करता है कि आप एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स मत मेंटेन करो, रिकॉर्ड्स मत शो करो, लमसम बेसिस पे कुछ टैक्स पे कर दो। तो इसका मतलब है कि पूरे साल का मेरे पास एक्चुअल हिसाब नहीं है, साल के एंड में टर्नओवर के बेसिस पे मैं लमसम इनकम दिखा के टैक्स भर दूंगा। छोटे एसएससीज को अलाउ किया जाता है, तो जो एसएससी वो स्कीम में जा रहा है उसके पास इन डेट्स पे एक्यूरेट डेटा होगा ही नहीं, उसको पता ही नहीं होगा मेरे एक्चुअल अकाउंट्स क्या है, तो वो एस्टिमेशन कैसे करेगा। तो उसको बोला एक काम करो, अगर आप 44AD में जा रहे हो तो फिर आप है ना एडवांस टैक्स पे करते टाइम ये इंस्टॉलमेंट वाला चक्कर छोड़ दो, सीधा इस डेट पे एक साथ 100% जो भी आपका एडवांस टैक्स बनता है भर देना, इंस्टॉलमेंट्स मत पे करना, क्योंकि मार्च एंडिंग आ रहा है, अब तो पता चली जाएगा पूरे साल का रफ टर्नओवर कितना हुआ है, अब तो गिन के बता सकते हो, तो इंस्टॉलमेंट जाने दो, पूरा एक साथ पे कर दो। तो जो लोग 44AD या ADA वाली स्कीम फॉलो करते हैं, ऑप्शनल स्कीम, वो लोगों को ये तीन इंस्टॉलमेंट नहीं भरने होते, सीधा लास्ट वाला भरना होता है। दैट इज अ पॉइंट ऑफ डिफरेंस, और ये चीज PGBP के हेड में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ये सेक्शंस पे हम इन डेप्थ वहां पे पूरा कैलकुलेशन समझने वाले हैं। बाकी थियरी अगर देखें तो एक सेक्शन 207 है स्टार्टिंग में, स्कीम तो मैंने आपको बता दिया, थियरी रिलेट करा देता हूँ। सेक्शन 207 लायबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, यहाँ पे ना एक एग्जेम्पशन दिया हुआ है, एग्जेम्पशन दिया हुआ है सीनियर सिटीजन को। अगर आप रेसिडेंट सीनियर सिटीजन हो 60 एंड अबव और आपकी PGBP की इनकम नहीं है और आपका टैक्स 10,000 से ऊपर आ रहा है, फिर भी आपको एडवांस टैक्स नहीं भरना है, एक रिलीफ दे दिया। ये वो लोग हैं जो रिटायर्ड हैं और जिनकी पेंशन इनकम या डिविडेंड इंटरेस्ट की इनकम आ रही है और अच्छा खासा डिविडेंड इंटरेस्ट आता है, जिस वजह से उनका टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ऊपर जाती है, बट क्योंकि एक्टिवली बिजनेस में पार्टिसिपेट कर नहीं रहे, PGBP इनकम है नहीं, 60 प्लस है तो सैलरी भी नहीं होगी, रिटायर्ड होंगे, तो फिर जो इनकम सोर्स है ना वो तो रिटायरमेंट फंड है। तो बोला उनको फिर हर क्वार्टर में आप ये एडवांस टैक्स पे करवा रहे हो, मेहनत करवा रहे हो, सीनियर सिटीजन है मत करो, साल के एंड में जो रिटर्न के टाइम पर टैक्स भरना होगा एक साथ भर देंगे, स्पेशल प्रिविलेज है, बाकी किसी को ये एग्जेम्पशन नहीं, बाकी जो 10,000 से ऊपर वाला है सबको एडवांस टैक्स भरना है। 210 जो सेक्शन दिया है ना उसमें बोला है कि असेसिंग ऑफिसर को अगर पता चला कि आपका टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ऊपर है या आने ही वाला है, ये लास्ट ईयर था और आप एडवांस टैक्स नहीं भर रहे हो, तो वो आपको रिमाइंडर नोटिस देके रिकॉल करा सकते हैं और आपसे एडवांस टैक्स पे करवा सकते हैं। ये अथॉरिटी उनके पास है कि वो ऐसा ऑर्डर इशू कर सकते हैं, उतनी स्कीम बताइए। 211 में तो जो पॉइंट्स थे मैंने आपको बता दिए, इसमें हमें कैलकुलेशन पे ज्यादा फोकस करना है, बाकी नीचे थियरी है, वो डिमांड नोटिस आएगा तो पेमेंट करना पड़ेगा, 30 दिन का टाइम मिलता है, वैसे रीडिंग पॉइंट्स है, टेक्निकली कोई प्रॉब्लम नहीं। 218 में बोला कि असेसी ने नहीं पे किया एडवांस टैक्स, उसको क्या बोलेंगे, असेसी इन डिफॉल्ट। और लास्ट पॉइंट है क्रेडिट फॉर एडवांस टैक्स पेड, कॉमन सेंस वाली बात है, अब ये पूरे साल मैंने 1,00,000 रुपए का टैक्स जमा करवाया है, साल के एंड में जब रिटर्न फाइल करूंगा तब कैलकुलेट किया तो पता चला 1,20,000 ही टैक्स आ रहा है, तो 1,00,000 तो भर चुका हूँ ना, अब और कितना भरूंगा, डिफरेंस का 20,000, तो 1,00,000 का क्रेडिट तो मुझे मिलना चाहिए ना, तो वो ऑब्वियस बात थी। तो 219 में वो क्रेडिट के बारे में स्पेसिफिक रेफरेंस आपको दे रखा है, ये पॉइंट। तो इसके साथ एडवांस टैक्स वाला जो कंसेप्ट है वो अपना कंप्लीट है, अब इस पे सम्स जो दे रखे हैं ना वो अभी नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि आपको बाकी के टॉपिक्स का आइडिया नहीं, वो जैसे रिलेट होते जाएंगे मैं अपने आप करवा दूंगा, तो इन सम्स को अभी अपने कंसिडर नहीं करेंगे, बिकॉज बाकी चैप्टर्स अपने पेंडिंग है, कंसेप्ट लेवल पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट है, अभी भी टाइम है, देख लेते हैं। और कुछ बोला कुछ छोटे चैप्टर में, पॉलिटिकल पार्टी वाला बचा है, चलो देख लेते हैं, आजकल माहौल भी चल रहा है। पेज 342 हाँ, चलो ध्यान दो, छोटा सा टॉपिक है ये, 2-5 मिनट का, क्योंकि टैक्स भरना तो है नहीं, फिर क्या कैलकुलेट करें, बात किन की हो रही है देख लो, उसके बाद इनसे क्या उम्मीद रख सकते हैं, ध्यान देना। पेज 342, दिस इज इलेक्टोरल ट्रस्ट
एंड पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, स्टार्ट करें। सेक्शन नंबर है 13 कैपिटल ए और बी। यहां पे बोला है पॉलिटिकल पार्टीज को मिलते हैं टैक्स एग्जेम्पशन, ऑब्वियस है। अब देखो पांच हेड्स की बात हो रही है, सैलरी, अदर सोर्सेज, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, ये सब बोला हुआ है। अब इनमें से कौन कौन सी कैटेगरी में लोग टैक्स पे करेंगे, कौन से में नहीं, वो समझ लो। सबसे पहले अगर हम थियरी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो बोला पॉलिटिकल पार्टीज को एसोसिएशन ऑफ पर्सन की कैटेगरी एओपी में काउंट करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, उसके लिए एक एक्ट होता है जिसके अंदर इनको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है 1951 का, उसमें लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में इनको रजिस्ट्रेशन मिलता है, उसके बाद इनकी इनकम की टैक्सेबिलिटी की बात होती है। अब बोला इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस और कैपिटल गेन, ये तीन हेड इनके एग्जेम्प्ट है, मतलब पांच में से सीधा तीन हेड उड़ा दिए, खत्म। तीन हेड में इनकम टैक्सेबल है नहीं, ना हाउस प्रॉपर्टी में, ना अदर सोर्सेज में और ना कैपिटल गेन में। बाकी क्या बचा? सैलरी और पीजीबीपी। सैलरी इनको कोई देता नहीं है, इनका कोई एम्प्लॉयर नहीं है, तो वो हेड भी गया। बचा पीजीबीपी, तो अगर पीजीबीपी में कोई इनकम होगी तो उस पर टैक्स भरेंगे, बाकी चार हेड तो आप समझो खत्म हो गए, उसके ऊपर कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आनी। कुछ कंडीशंस है जो ये लोग फॉलो करेंगे, एग्जेम्पशन ऐसे ही नहीं मांग रहे। पहला तो बोल दिया बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, बड़ी मेहरबानी, और क्या, डॉक्यूमेंट्स भी संभाल के रखेंगे, चलो अच्छी बात है। फिर बोला अगर इनके पास है ना वॉल्यूंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन के नाम पे बहुत इनकम आती है, वो आप देख रहे हो कितना वॉल्यूंटरी है, कल न्यूज में आ ही रहा था, ठीक है, तो 20,000 रुपए से ऊपर किसी ने वॉल्यूंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन इनको दिया हो, तो फिर उसके रिकॉर्ड ये लोग मेंटेन करेंगे, मतलब पैन नंबर, आधार नंबर, ट्रेस हो सके किसने पैसे दिए, अदरवाइज मेंटेन नहीं करेंगे। तो ये लोग क्या करते हैं ना, जितना भी पैसा आता है ना 20,000 की एंट्रियां दिखा देते हैं, अब पैन नंबर रखने की जरूरत नहीं, तो वो कोई बड़ी बात तो है ना, अकाउंटिंग एंट्री तो दिखानी है। अकाउंट्स ऑडिट करवाएंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट से, मैं तो सोच रहा हूँ किसको मिलेगा ये ऑडिट, और कौन सा चार्टर्ड अकाउंटेंट पॉलिटिकल पार्टी की ऑडिट करके उसके अंदर से स्कैम बाहर निकालेगा अपनी रिपोर्ट में, वो भी सोचने वाली बात है, ठीक है। और बोल दिया अगर इनको कोई डोनेशन मिल रहा है 2,000 रुपये से ऊपर, तो वो ये लोग कैश में नहीं लेंगे, ये भी बड़ी बात है, ठीक है। रिटर्न फाइल करेंगे, खाली रिटर्न होगा, इनकम पर टैक्स तो देना नहीं है, तो ये सब बातें चल रही है। और एक बना दिया इलेक्टोरल ट्रस्ट, ये वही जो बॉन्ड वाला मैटर है, इलेक्टोरल ट्रस्ट को आप चंदा दो, इलेक्टोरल ट्रस्ट आगे पॉलिटिकल पार्टी में बांट देगा, पूरा 95% पैसा पॉलिटिकल पार्टीज में बट जाएगा, 5% ट्रस्ट अपने पास रख सकता है मैनेजमेंट और कॉस्ट के लिए, बाकी का सारा ये जो है डिवाइड कर देंगे। अब ये चीज़ अभी जो है वो गवर्नमेंट ने बोल दिया इलेक्टोरल बॉन्ड्स और ये सब इलीगल है, आगे इसका इम्प्लीकेशन आएगा, बट अभी फिलहाल एग्जाम के लिए सेक्शन एग्जिस्ट करता है। तो इलेक्टोरल ट्रस्ट मतलब इनडायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन वाली बात होगी, मैं डायरेक्ट पॉलिटिकल पार्टी को कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा, मैं ट्रस्ट में पैसा दे रहा हूँ, ट्रस्ट जो है वो पॉलिटिकल पार्टी को आगे पैसा दे देगा, तो ये बात तो वही होगी ना, अल्टीमेटली तो आप पॉलिटिकल पार्टीज को ही पैसे दे रहे हो। तो ये स्कीम है 13A और 13B जो टैक्सेशन एग्जेम्पशन की बात होती है। अब देख लो इलेक्टोरल बॉन्ड का इतना हंगामा हो रहा है, इन सेक्शंस पे कोई पॉलिटिकल पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी कोई बात नहीं करेगा कि एग्जेम्पशन किस बात का, क्योंकि आज इनको मिल रहा है कल हमको मिलेगा, तो टैक्स एग्जेम्पशन के बारे में बात नहीं करनी है। इलेक्टोरल बॉन्ड की बात इसलिए हो रही है क्योंकि ऑपोजिशन को बिल्कुल पैसा नहीं मिल रहा और सारा रूलिंग वाले लेके जा रहे हैं, तो उनको सबको प्रॉब्लम है, और सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर दिया, कोर्ट ने बोल दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो इलीगल है, तो अब उसके बारे में सारा डिस्क्लोजर हो रहा है, तो ये सब मैटर चल रहा है। तो इससे ज्यादा इसमें कोई कंडीशन है नहीं, आपको इतना पॉइंट ध्यान रखना, एक शॉर्ट नोट बन गई तो बन सकती है, बाकी कैलकुलेशन वाला पार्ट इसमें कुछ नहीं आएगा।